हो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे और मेरे पास जो भी मालूम होगी मैं आप तक जरूर पहुँचाती रहूँगी और आप यकीन से कुछ ना कुछ सीखेंगे और मुझे अपनी राय से भी आगाह कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो आपसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। आज जो मैं टॉपिक पे सोच रही थी मैं कि मैं आपसे बात करूँ क्योंकि इंसान जो है वो इंसान की दवा है। मैंने एक जगह लिखा सुना तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या इसका मतलब है। इंसान इंसान की दवा है। फिर तहकीक की, पढ़ा, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, अच्छे लोगों से और से, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात अल्लाह ताला के एक निज़ाम के तहत कही गई है कि अल्लाह ताला का की यही मर्जी, अल्लाह ताला यही आपको सिखा रहा होता है कि इंसान जो है वो इंसान की दवा है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप जब बिज़नेस करते हैं, ये तो आपका जो वास्ता जो है ना मुख्तलिफ लोगों से पड़ता है जो कि आपके कारोबार को बढ़ाने में भी आपका साथ दे रहे होते हैं और वो आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो सोशलिज़म जो है वो आप एक होती है लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ अपने तालमेल बना के रखना जो है एक बहुत ही अक्लमंदी, यानी कहना चाहिए लोगों से अच्छा ताल्लुक़ रखना जो है वो एक आदि अकल कर कहा गया। तो अल्लाह ताला का भी यही निज़ाम है कि आपने जो है लोगों के साथ अपना ताल्लुक अच्छा रखना है, अखलाक के साथ पेश आना है। किसी के साथ के लिए आप कुछ कर सकते हो तो कर दो और नहीं कर सकते तो एक अच्छी तरह इंसान उसको जवाब दे सकता है। और हम अगर ये कहें कि जी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी और इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। अकेला इंसान नहीं रह सकता और ज़रूरत लोगों को पड़ती है, दूसरों की लोगों की मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह ताला के निज़ाम में अल्लाह ताला आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ने पैदा ही इंसान को इसीलिए किया और ये कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों से ना मिलें, कम मिलें, लेकिन ये कि बहरहाल मिलना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलके खुश होते हैं। अगर आपसे कोई मिलके खुश नहीं होता तो दूर से सलाम सही है। तो इसको ये जो चीज़ है ना वो आती है तारीफ मतलब इखलाकियात में आती है, कर्टिसी में आती है। तो कर्टिसी कॉस्ट नथिंग। तो कर्टिसी में आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने होते। किसी को सलाम करना, किसी की खैरियत दरियाफ्त करना, किसी की आयादत करना, किसी की अगर कोई खुदा ना करे दुनिया से चला जाता है तो उसकी ताज़ियत करना बहुत फ़र्ज बनता है आपके ऊपर कि लोग खुशियों में तो शायद इतना भी किसी को याद रखते हो, लेकिन ये गम के मौके पर लोग एक दूसरे की को ज़रूर देखते हैं कि वो कौन आया कौन नहीं आया। हम कुछ और नहीं कर सकते तो लोगों की खिदमत इसलिए इस तरह भी हो सकती है कि हम लोगों की खबरगिरी करते रहें। उनकी कोई अगर बूढ़े हैं तो आप उनकी दिलजोई कर सकते हैं, उसमें कोई इतना पैसा खर्च नहीं है होता और आप अल्लाह ताला भी इससे खुश होता है। यकीनन आपको मेरी बात अच्छी समझ में आ गई होगी कि सोशलिज़म आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। मैं जो इस चीज़ को समझती हूँ कि सोशलिज़म आपको प्रोटेक्ट करती है। आप जो हैं जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो लोग आपको मिलके जो है वो खुश होते हैं पैसे कि आपने उनकी खैरियत पूछी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तब उसकी तारीफ करते हैं तो उसमें भी कोई पैसे नहीं खर्च होते। तो इससे आपका इखलाक भी सबके सामने जाहिर हो जाता है और आपकी लोगों की जो है कोई थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, सुकून हो जाता है। तो जो है मस्जिदों के निज़ाम है, नमाजों के निज़ाम है और
زکوٰۃ جماعت نماز ہے وہ ساری سوشلزم کی ہی قسمیں ہیں. اور اس کے علاوہ حج تو بہت سب سے بڑا ایک سوشلزم کا یہ ہے جو ایک جگہ جا کے لوگ عبادت کرتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آ کے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نظام بنایا ہے کہ لوگ پانچ وقت کی نماز جو باجماعت پڑھیں, اس لیے پڑھیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں. اور پھر اس میں آپ کو سوشلزم میں آپ کے جو ہے آپ کے پڑوسی بھی آ جاتے ہیں, آپ کے رشتے دار آ جاتے ہیں. پڑوسیوں کا خیال کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ نہیں تو آپ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور دوسروں کے لیے آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک میسج کر کے آپ پوچھ لیجیے کہ آپ سب خیریت ہیں. گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, آپ کے گروپ بنے ہوتے ہیں, آپ فیملی کا گروپ الگ ہوتا ہے, دوستوں کا الگ ہوتا ہے, بچوں کے اپنے گروپ ہوتے ہیں, پڑوسیوں کا الگ گروپ ہوتا ہے. اس میں ایک میسج جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, آپ پوچھ لیجیے سب خیریت ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ دعا دے دیں کسی کو. تو ان چیزوں پہ کوئی اتنا کوئی خرچہ نہیں ہوتا, لیکن وہ کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ آپ کا لوگوں کے دلوں میں عزت قائم رکھتا ہے. بس میں یہ آج میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں, بچوں کو بھی اسپیشلی دونوں کروں گی کہ آنے والے وقت میں انہوں نے اپنی زندگی کی باغ دور سنبھالنی ہے اور ان کو جو ہے آگے زندگی اس طرح نظارنی ہے کہ وہ کسی سے کٹ کے نہیں رہیں اور اپنے دوستوں سے ملے جلیں, اپنے رشتے داروں کی قدر کریں, اپنے گھر والوں کی قدر کریں, ماں باپ کی قدر کریں. تو یہ چیزیں ان کے لیے راستے آسان کریں. صحیح ہے, تو انشاءاللہ یقین آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. آپ بھی سلسلے میں اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں نہیں ایک اس میں بھی اینڈ اپ ہونا چاہیے, کچھ اور بھی کہنا چاہیے, تو آپ میسج میں مجھے بتا سکتے ہیں, میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک اور اچھا ہو سکے. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ انسان کی دوا ہے. یہی میں آپ سے آج میرا پیغام, پلیز ضرور یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا. تھینک یو.